प्रशासन की सख्ती व वसूली के डर से 1238 अपात्र कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर लिया है। सभी अपात्र कार्ड धारकों को स्वेच्छा से राशन कार्ड को 15 मई तक राशन कार्ड समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाचरे ने बताया कि जनपद के अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपने राशन कार्ड समर्पित किए जाने की अपील की गई थी, जिसके बाद से जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से कुल 1238 अपात्र कार्ड धारकों की ओर स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड समर्पित किए गए। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि विकास खंड इकौना व नगर पंचायत इकौना में 302 ब्लॉक गिलौला में, 211 ब्लॉक जमुनाहा में, 260 हरिहरपुर रानी ब्लॉक व नगर पालिका भिनगा में, 192 सिरसिया में 273 लोगों ने अपना राशन कार्ड समर्पित किया है। उन्होंने जनपद की समस्त राशन कार्ड धारकों से एक बार फिर अपील की है कि अपात्र राशन कार्ड धारक जैसे समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र अथवा 5 KVA या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक हो तथा ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास से 1 से अधिक शस्त्र का लाइसेंस या शस्त्र हो, वे अपने राशन कार्ड हड़ताल में समर्पित कर दें। अन्यथा जांच टीम की ओर से जांच के दौरान अपात्र किए जाने पर अभी तक प्राप्त राशन की वसूली गेहूँ 24 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी।